तो यहाँ पे आपको यही बताने जा रहा हूँ ये वीडियो के अंदर कि किस तरीके से जो मेरा आईडी में डायमंड है 7200 वो ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने पर्सनल आईडी में। देख सकते हो 7280 डायमंड भाई। सब कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो। अभी के अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। भाई सब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो एडवांस सर्वर में हमें डायमंड मिलता है, देख सकते हो ये एडवांस सर्वर का मेरा आईडी है, जो ये डायमंड मिलता है हमें, इसको हम कैसे अपने पर्सनल आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताने जा रहा हूँ ये वीडियो के अंदर कि किस तरीके से जो मेरा आईडी में डायमंड है 7200 वो ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने पर्सनल आईडी में। देख सकते हो 7280 डायमंड यहाँ पे मेरी पर्सनल आईडी में आपको देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे ये कैसे ट्रांसफर करना है, क्या करना है, वो डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये कोई स्कैम नहीं है, देख सकते हो ये मेरी पर्सनल आईडी है और यहाँ पे आप लोग को देखने मिल रहा है 7280 डायमंड, और यहाँ पे आप लोग को एडवांस सर्वर में देखने मिल रहा है 7200 डायमंड। देखो ये कोई स्कैम नहीं है, आपको हर एक इवेंट में खोल खोल के दिखा रहा हूँ, हर पेज खोल के दिखा रहा हूँ। अगर एडिट होता या कोई स्कैम होता तो ये यहाँ पे हटता। तो यहाँ पे आप लोग को बता दूं ये मेरे एडवांस सर्वर का ही डायमंड है, ठीक है, ये कोई ऐसा एडिट या कोई ग्लिच नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दूं कि एडवांस सर्वर का डायमंड अपने मेन सर्वर में कैसे भेज सकते हो, वो मैं जा रहा हूँ ये वीडियो में बताने। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो या पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सब यहाँ पे पहली बात तो आपको बता दूं, अगर आपके पास एडवांस सर्वर नहीं है और आपको ये सब डायमंड लेना है तो यहाँ पे आपको बता दूं ये जो डायमंड हमें मिलता है ना एडवांस सर्वर में बहुत ज्यादा मिलता है। देखते हो 3000 डायमंड अभी और बाकी है म्यूजिक क्लेम करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे 2000 डायमंड अभी और मिलेंगे और 7000 डायमंड और मिलने वाले हैं, इसी तरीके से 300 डायमंड और मिलने वाले हैं, और यहाँ पे उसके बाद 500, 1000, 1500 ये सब छोटे छोटे मिशन ये कंप्लीट करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे। और ये देख सकते हो ये सब भी मिशन कंप्लीट करने पे 500, 1000, 1500 इतने डायमंड मिल रहे हैं, और 500, 1000 डायमंड तो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा डायमंड है यहाँ पे। बस आपको एडवांस सर्वर लेना है तो मैंने कमेंट में लिंक दे दी है एडवांस सर्वर वाली वीडियो का, वो लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख लो कैसे आप लोग को एडवांस सर्वर लेना है, वो इन डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो जाओ कमेंट में मैंने एडवांस सर्वर की लिंक दे दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भाई जो हमने फ्री में डायमंड क्लेम किया है ये डायमंड कैसे हम अपने आईडी में ट्रांसफर करें। तो भाई यहाँ पे आप लोग को पहली बात तो क्लियर कर दूं, आप लोग को बता दूं ये जो एडवांस सर्वर है ना, ये एडवांस सर्वर हमारे इंडियन सर्वर का नहीं, ये है इंडोनेशिया सर्वर। देख सकते हो अगर आप एडवांस सर्वर सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया सर्वर का देख मिलेगा। तो अभी आप सोचोगे यार मतलब नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, आप लोग को आपके पर्सनल आईडी में डायमंड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेन सर्वर वाली जो आपकी आईडी है इंडियन सर्वर में, उसमें आप लोग को डायमंड मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो आपको भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले तो क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो आईडी होती है ना एडवांस सर्वर की, जो आप लोग ने क्रिएट की हो, वो हमारी होती है इंडोनेशिया। अब ये इंडोनेशिया की आईडी है और यहाँ पे अगर आप चाहते हो इसको ट्रांसफर करना या गिफ्ट करना, स्टोर में आके आप देखोगे तो गिफ्ट सेक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे कुछ गिफ्ट करते हो या डायमंड सेंड कर सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप इंडियन सर्वर में रह के आप अपने फ्रेंड की आईडी से डायमंड सेंड कर पाते हो क्या? नहीं, सिर्फ गिफ्ट कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टोर में आओगे तो यहाँ पे आप लोग को गिफ्ट सेक्शन कहीं भी नहीं देख रहा है, तो कहां से यहाँ पे हम अपना डायमंड ट्रांसफर कर सकते हैं? तो देखो यार इसका बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आप लोग का बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को बताने से पहले बता दूं, यहाँ पे आप लोग का कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ये जो हम डाउनलोड कर रहे हैं ना डाउनलोड सेंटर से एक्सपेंशन पैकेज, ये सब ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो इसके बाद वाली वीडियो वही आने वाली, तो वीडियो को देख लेना वाला भी, और जो आप लोग एक्सपेंशन डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो आपको पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, आप लोग एडवांस सर्वर वाली वेबसाइट पे आते हो ना तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओ, और जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने मिल रहा है बग हंटर रिवॉर्ड, मतलब ये आप लोग को 1000 डायमंड देगा फ्री फायर, यहाँ पे खुद बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दूं, पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो जितना भी डायमंड आप देख रहे हो ना आपकी एडवांस सर्वर में, ये पूरे के पूरे डायमंड तो आप नहीं ले पाओगे, लेकिन 1000 डायमंड आप ले सकते हो अपने पर्सनल आईडी। तो ये तो अभी आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि हम पूरे डायमंड तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन डायमंड तो लेके जा ही सकते हैं। तो अभी आप पूछोगे तो मैंने स्टार्ट में कैसे बताया कि यहाँ पे 7200 डायमंड एडवांस सर्वर में भी मेरे पास है और साथ ही साथ में, यहाँ पे आप पूछोगे मेरे पर्सनल आईडी में ये जो 7200
200 डायमंड आया, ये कैसे आ गया एडवांस सर्वर से? ये एडवांस सर्वर से नहीं आया है भाई, जो एडवांस सर्वर में 7200 डायमंड देख रहे हो ना, वो इत्तेफाक से एडवांस सर्वर में भी 7200 डायमंड हो चुका है और मेरे पर्सनल आईडी में 7200 डायमंड तो पहले ही सही है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि मैंने ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर नहीं किया, बस यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों का यहाँ पे डायमंड सेम हो गया है। तो यहाँ पे एडवांस सर्वर में जो डायमंड है ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये तो मैं आपको क्लियर कर दिया। लेकिन आप 1000 डायमंड अपने पर्सनल आईडी में मतलब मेन सर्वर में ले सकते हो, तो वो 1000 डायमंड कैसे लेना है? तो देखो, फ्री फायर का जो एडवांस सर्वर वेबसाइट है ना, FF एडवांस सर्वर, सर्च करके आप लोग को आना है ये पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को बग्स यहाँ पे हंट करके बताना है। बग्स मतलब जो भी आप फ्री फायर गेम खेलते हो ना, इसमें एडवांस सर्वर के अंदर, एडवांस सर्वर में बहुत सारे अलग अलग मोड्स है, अलग अलग यहाँ पे स्किल्स आई है, कैरेक्टर है, कुछ भी बग्स मिलता है। जैसे होता क्या है, गेम खेलते खेलते आप जमीन में ढस जाते हो, या भाई गन चला रहे हो तो गन उल्टी है, तो भाई यहाँ पे आपका सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, या कुछ भी बग्स उल्टे सीधे दिखते हैं आपको, तो उसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग की आईडी लॉगिन हो जाएगी, और लॉगिन होने के बाद वहां पे आप लोग को स्क्रीनशॉट देके अपना पर्सनल जो मेन सर्वर की आईडी है ना, उसका आपको यूआईडी कॉपी करके, ये देख सकते हो ये रहा आपका यूआईडी, को यहां से कॉपी कर लेना है, और आईडी कॉपी करने के बाद वहां पे आपको पेस्ट कर देना है, बस ये काम करना है। और आप लोग को सर्वर सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, और ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो आप लोग के पर्सनल आईडी में 1000 डायमंड फ्री फायर दे देगा। लेकिन आपको बता दूं, जो ये बग हंटर रिवॉर्ड 1000 डायमंड दे रहे ना एडवांस सर्वर के थ्रू, ये आपकी आईडी में मिल तो जाएगा, लेकिन जो बग ढूंढना है ना, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब इतनी आसानी से बग नहीं मिलता है, क्योंकि भाई फ्री फायर खुद ही बग हटा के देता है। यहाँ पे जो एडवांस सर्वर होता है वो टेस्टिंग के लिए ही होता है, कि कोई बग मिलेगा तो हम उसे सही कर देंगे हम अपडेट से पहले पहले। जैसे कि आपको पता है 31 मई को यहाँ पे अपडेट आने वाला है, तो 31 मई से पहले पहले यहाँ पे एडवांस सर्वर दिया गया है कि यहाँ पे जो भी बग्स है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको फिक्स आउट करके गेम को अपडेट किया जाए। तो यहाँ पे बग्स मिलते ही नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बग्स मिलता है, लेकिन इतने ज्यादा प्लेयर्स मिलता है, ऐसा नहीं कि कभी एडवांस सर्वर में बग्स नहीं मिलता है, जब भी एडवांस सर्वर आता है बग मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग लेके जाते हैं 1000 डायमंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 10 लाख या 50 लाख लोग गेम प्ले कर रहे हैं एडवांस सर्वर में तो भाई यहाँ पे सबको ही मिल रहा है बग, नहीं, यहाँ पे 10 लाख में से हो सकता है 10 लोग या 15 लोग या 100 लोगों को ज्यादा ज्यादा मिल जाता है 1000 डायमंड, वरना उससे ज्यादा नहीं मिलता है। भाई सब कमेंट में रिडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रिडीम कोड जल्दी से ले लो, अभी के अभी जाओ, रिडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग का ये डाउट क्लियर है कि डायमंड कैसे ट्रांसफर करना है एडवांस सर्वर से यहाँ पे मेन सर्वर में, जो कि भाई पॉसिबल नहीं होता है। एडवांस सर्वर अलग होता है, एक छोटा सर्वर जिसको टेस्टिंग के लिए सिर्फ दिया जाता है, तो उसको लेके यहाँ पे भाई सब आप लोग एडवांस सर्वर का जो डायमंड है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अपने इंडियन सर्वर में ही ट्रांसफर नहीं होता है, तो एडवांस सर्वर में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ट्रांसफर हो जाए? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये डाउट जो था ये क्लियर हो गया हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो कमेंट में मैंने फ्री का गूगल प्ले का रिडीम कोड दिया, जाके लूट लो, और डेली मेरे हर एक वीडियो में आपको देखने मिलता है।